अस्सलाम वालेकुम गाइस, अल्लाह पाक के बहुत सारे शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज हम जाने लगे हैं जबल अली, जो दुबई का एक एरिया है। तो चले आपको जबल अली दिखाते हैं और साथ साथ बहुत सारी बातें करते हैं। अब्बास साहब ने कैमरा पकड़ा हुआ है, वो मेरे साथ हैं आज, तो बहुत सारी मौज मस्ती होने वाली है। सुबह सुबह का टाइम है, लेट्स स्टार्ट दी बिट। एक घंटा हो गया हमको, हम लोग पहुंच गए थे जबल अली, तो अभी हम लोग निकलने लगे हैं वापस। एक और कंपनी से चेक लेने हैं, चेक के बिना तो काम नहीं चल सकता। वापस चलते हैं, साथ आपको दिखाएंगे दुबई क्रिकेट स्टेडियम का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं साथ साथ। चलें आगे की वीडियो चला देते हैं फिर। अभी हम लोग ये खड़े हैं पेट्रोल पंप पे, एनोक का पेट्रोल पंप है ये देखिए एनोक। और ये साथ बहुत ही प्यारी मस्जिद बनाई है, अभी न्यू ही मस्जिद बनाई है, तो अभी हम लोग पेट्रोल डलवाएंगे। सॉरी, मेरे पास बड़ी गाड़ी है तो मैं डीजल डलवाऊंगा, इसमें डीजल आता है। तो आज की डेट में जो रेट है यूएई में पेट्रोल का और डीजल का, वो डीजल जो हाई स्पीड डीजल है उसका रेट ज़्यादा हो गया है और पेट्रोल का रेट कम हो गया है। अब्बास भाई जी सर ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, अब्बास भाई ने भी कह दिया कि ऐसे ही है। तो अभी देखते हैं आज का रेट क्या है यहाँ पे डीजल का और पेट्रोल का भी चेक करते हैं, क्योंकि यूएई में सबसे ज़्यादा जो खुशी वाली चीज़ है ना वो यही है कि पेट्रोल कम होगा तो आदमी लोग ज़्यादा घूमेंगे, गाड़ियाँ चलाएंगे, टेंशन नहीं होगी कि पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है, हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कितना रेट है। हाँ जी, हम लोग खा रहे हैं अभी आइसक्रीम। सबसे सस्ती और टिकाऊ चीज़ यही है यूएई में, सस्ती सिर्फ और सिर्फ एक दिरहम में। टेस्ट भी लाजवाब है। बात भाई भी खा रहे हैं। लोकेशन मैं बता देता हूँ आपको, शेख मोहम्मद बिन जैद रोड पे आइए। अगर आप जबल अली से निकलते हैं तो टर्न करते हैं शेख मोहम्मद बिन जैद रोड पे, जो फर्स्ट पेट्रोल पंप आएगा एनोक का, वहां से मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एक दरम में, एक दरम में, एक दरम में, कुछ ज्यादा पैसे नहीं है टैक्स के साथ, सिर्फ और सिर्फ एक दरम में। काफ़ी मजे की चीज़ है यूएई में, सबसे सस्ती चीज़ यही है, मुझे तो यही मिली। अगर आपको कोई मिली हो तो कमेंट
कमेंट करिएगा नीचे, बताइए मुझे इससे भी सस्ती कोई चीज़ आपको मिली है खाने के लिए या घूमने के लिए या पहनने के लिए, तो बताइएगा जरूर।